रूस यूक्रेन जंग से सैकड़ों पाकिस्तानियों की जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। शेल्टर्स और घरों में पाकिस्तानी तलबा बेयारो मददगार हो गए। पाकिस्तानी तलबा को खाने और पीने की अशिया की किल्लत का सामना है। पाकिस्तानी तलबा के वालिदैन ने हुकूमत से बच्चों को वापस लाने की अपील कर दी है। PIA ने तलबा को वापस लाने के लिए पोलैंड से फजाई ऑपरेशन की इजाज़त मांग ली। रूस यूक्रेन जंग से सैकड़ों पाकिस्तानियों की जिंदगियां खतरे में। शेल्टर्स और घरों में पाकिस्तानी तलबा बेयारो मददगार हो गए। पाकिस्तानी तलबा को खाने और पीने की अशिया की किल्लत का भी सामना। तलबा का कहना है कि पाकिस्तानी सफात खाने की जानिब से इनकी कोई मदद नहीं की जा रही। हमें एम्बेसी की तरफ से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे एम्बेसी की तरफ से जो ने मैसेज शेयर किए हैं कि वो आपको अकोमोडेट करेंगे, ये करेंगे, प्लीज उस पर उनको कहें कि उस पर वो अमल करें। सारे पाकिस्तानी हमारे बिल्कुल साथ हैं, कोई हमारी एम्बेसी ने हमें मदद नहीं की। पहले हमें कहते थे कि आपको क्या नाम देते हैं, हम बसें देंगे, आपको जहाज देंगे, जब जंग शुरू हो जाएगी तब PIA तैयार आएगा, आपको लेके इवैक्यूएट करेगा। अभी तक हमें ना किसी की तरफ से कोई मैसेज आया, ना किसी ने हमें कुछ कहा है। यूक्रेन के शहर पोल्तावा में मेडिकल यूनिवर्सिटी में जेर तालीम चिन्योट के बसीर अहमद, ताहिर अहमद और अहमद हमीद के वालदैन भी बच्चों के लिए परेशान है। वालिद का कहना है कि बच्चों से बात हुई, वहाँ नफसा नफसी का आलम है। पाकिस्तानी तलबा के वालदैन ने हुकूमत से बच्चों को वापस लाने की अपील कर दी। मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त है कि वो तमाम बच्चे जो मेरे शहर के हैं या हमारे मुल्क के जितने भी हैं, जो 50 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं और 20-25 जो बिजनेस कम्युनिटी है पोल्तावा सिटी में रहती है, उनको वहां से जल्द एवैक्यूएट किया जाए और एम्बेसी के फ्लैग के नीचे ही उनको वहां से एवैक्यूएट करें। अदरवाइज उनका बॉर्डर तक पहुंचना और फिर वहां से आगे किसी दूसरे मुल्क में दाखिल होना नामुमकिन नजर आता है। दूसरी जाने पाकिस्तानी सफात खाने ने यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानी शहरियों की मदद के लिए नंबर जारी कर दिए हैं।